वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि पासवर्ड हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पर विंडो सर्च बॉक्स में। यदि आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तब भी वहाँ पर आपको यहाँ सर्च बॉक्स मिलेगा। आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर टाइप कर देना है आपको कंट्रोल। जैसे ही आप कंट्रोल टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल पैनल। तो जस्ट आपको कंट्रोल पैनल पर क्लिक कर देना है और इस तरीके के सारे आपको आइकन्स देखने को मिलेंगे कंट्रोल पैनल के अंदर। आपको जाना यूजर अकाउंट्स पर, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यूजर अकाउंट के ऊपर जाना है। इसके ऊपर जाके क्लिक करना है। जस्ट आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपने जितने यूजर अकाउंट बनाए होंगे वो यहाँ पर शो करेंगे। जैसे कि मैंने अपना एक यूजर अकाउंट बनाया, एडमिनिस्ट्रेटर एक ही है मेरा, तो यहाँ पर ये मुझे एक ही शो कर रहा है। और मैंने उसका नाम दिया हुआ है आलिम और ये लोकल अकाउंट है, एडमिनिस्ट्रेटर है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मतलब इसमें ऑलरेडी मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है। और यदि आपने पासवर्ड नहीं लगाया हुआ है तो ये वाला जो लाइन है ये नहीं आपको दिखेगा। अब आते हैं हम पासवर्ड के लिए। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें पासवर्ड डालना है। तो मेरा ऑलरेडी पासवर्ड है लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो आपको करना है कि सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है चेंज योर अकाउंट नेम, तो आप अकाउंट नेम चेंज कर सकते हैं। चेंज योर अकाउंट टाइप, टाइप चेंज कर सकते हैं। गेस्ट बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं, बहुत सारे अकाउंट बना सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में 3-4 यूजर हैं, 4 लोग एक ही लैपटॉप की यूज करते हैं और आप चाहते हो सबका अलग अलग, सब कुछ डिफरेंट, तो आप इजीली उसको अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं और अपने अपने अकाउंट पर प्रोडक्शन लगा के आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है मैनेज अनदर अकाउंट। आपको यहाँ पर जाना है मैनेज अनदर अकाउंट, जिससे कि आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आपको जस्ट इसके ऊपर जा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये जो अकाउंट है वो देखने को मिलेगा। यदि और होंगे तो और देखने को मिलेंगे। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, डबल क्लिक करना है, सॉरी इसको आपको सिंगल क्लिक करना है। मतलब आपको जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको और ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको सेम ऑप्शन देखने को मिलेगा चेंज योर, चेंज द अकाउंट नेम। तो अकाउंट नेम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें पासवर्ड चेंज करना है। तो आप पासवर्ड क्रिएट करना है या पासवर्ड चेंज करना है, तो ये वाला जैसे कि आप सेंटेंस देख सकते हैं यहाँ पर, और जूम करके दिखा देता हूँ, चेंज द पासवर्ड। यहाँ पर जैसे कि मेरा अगर ऑलरेडी पहले से ही पासवर्ड है तो यहाँ पर मुझे दिखेगा चेंज द पासवर्ड, और यदि आपके सिस्टम के अंदर पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्रिएट द पासवर्ड, बस इतना होगा। तो आपको क्रिएट द पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला मुझे चेंज करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो यूजर अकाउंट है, मेरा सिस्टम है, वो ऑलरेडी उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड दिखा रहा है, लेकिन आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पर ये दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। अगर आपको पासवर्ड पहले से ही पड़ा हुआ है तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर नया पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये मिलेगा देखने के लिए, ये मिलेगा न्यू पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर नया पासवर्ड डाल देना है। कंफर्म न्यू पासवर्ड, तो यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड कर देना है। तो आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे सपोज दैट आपको 1 2 3 4 डाल सकते हैं, ABCD डाल सकते हैं, A to Z डाल सकते हैं। तो जो भी इसको जो आपको याद रहे वो यहाँ पर इजीली डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आपने डालना है न्यू पासवर्ड, उसके बाद में आपको पासवर्ड कन्फर्म कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, टाइप ए पासवर्ड हिंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको डालना है बहुत अच्छे से। जो भी आप पासवर्ड डालो तो उसके अगेंस्ट आपको एक हिंट डालनी है। हिंट डालने का मतलब क्या होगा कि आप हिंट डालोगे तो जैसे बाई चांस आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको हिंट पूछेगा वो, या फिर हिंट शो करेगा। जब आपको हिंट दिखाएगा तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं कि मेरा पासवर्ड क्या था और मैंने क्या पासवर्ड बनाया था, क्योंकि हिंट के थ्रू चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाती हैं, तो याद आ जाएगा आपको पासवर्ड। तो जो भी आपको पासवर्ड डालना है उस पासवर्ड के साथ में जो हिंट डालोगे वो उससे रिलेटेड होनी चाहिए, जिससे कि आपको उस टाइम पर याद आ जाए जब आप पासवर्ड भूल जाए। तो ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद में आपको नीचे यहाँ ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है चेंज पासवर्ड, आपको मिलेगा क्रिएट पासवर्ड। आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है, आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। और जब आप सिस्टम ऑन करेंगे तो आपको सिस्टम में पासवर्ड के लिए बोलेगा, पासवर्ड डालने के लिए। तो जब आप उसमें पासवर्ड डाल देंगे उसके बाद में ही ओपन होगा।
सो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर आप और लेटेस्ट ऐसी जानकारी आप और चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।